हाइड एंड सीक। गट्टू चिंकी का बिल्कुल आपकी तरह ही रूटीन बन गया था। घर से स्कूल, स्कूल से घर और घर आते ही फिर से ट्यूशन। इधर मम्मी पापा की भी वही हाल थी। मम्मी सुबह से लेकर रात तक सबके लिए बस भागती रहती थी और पापा दिन भर ऑफिस में ही रहते थे। लेकिन इस संडे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि संडे की छुट्टी ने सबका मूड फ्रेश कर दिया था। हम आज पूरे एक हफ्ते बाद सब साथ साथ सुकून के साथ बैठे हैं। मजा आ जाएगा आज तो। मुझे लगता है आज हमें सारे शेड्यूल को छुट्टी देकर मस्ती करनी चाहिए। क्यों ना हम आज हाइड एंड सीक खेले? क्यों मम्मी, क्या कहती हो? उसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो रोज हाइड एंड सीक खेलती हूँ और मुझे ढूंढने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसा थोड़ी है, स्कूल से घर आते ही मैं आता हूँ ना आपको ढूंढते हुए। पापा बताओ ना, खेले क्या? देखेंगे। पापा बस इतना ही बोले और बेचारे गट्टू चिंकी का मूड खराब हो गया। गट्टू चिंकी लंच खत्म करके अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, तभी उनके कमरे के सामने पापा खड़े थे, मोबाइल में बिजी थे। गट्टू चिंकी उनसे बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगे। तभी पापा बोले, अरे जा क्यों रहे हो, हमें खेलना है ना। ये आप सच कह रहे हो? अरे बाबा हाँ। थैंक्स पापा, लेकिन मम्मी कहाँ है? तभी पीछे से मम्मी आई और उन्होंने बच्चों को धप्पा कर दिया। धप्पा? मम्मी मैं कितना डर गई थी पता है? मेरी बचपन की सहेली मीना भी ऐसे ही डरती थी। वो बेचारी कहीं और देखती रहती थी और मैं कहीं और से आकर धप्पा कर देती थी। अरे तुम अपना मत सुनाओ, मेरा सुनोगे तो मेरे साथ खेलोगे ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्या करते थे आप? मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलता था, ऐसी ऐसी जगह छिपता था कि क्या बताऊं। शाम होती थी लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाता था मुझे, आज भी कोई ढूंढ नहीं सकता मुझे। आप अपना छोड़ो, मेरा सुनो। अरे मम्मी पापा बस बस बस, कितना सुनाओगे, हमें खेलना भी तो है। अरे हाँ भाई, चलो चलो, 2 बज गए हैं, मुझे शाम को एक मीटिंग में भी जाना है। चलो बताओ कौन छिपेगा और कौन ढूंढेगा? गट्टू, गट्टू ढूंढेगा हम सबको, उसका ही आइडिया था ना ये। ठीक है मैं ढूंढता हूँ, आप सब छिप जाओ। 1 2। अरे चीटिंग, छिपने तो दो। अच्छा अच्छा जाओ। सब लोग इधर उधर भाग गए और छिप गए। गट्टू काउंटिंग करता रहा। 8 9 10, मैं आ रहा हूँ, याहू। गट्टू धीरे धीरे सबको ढूंढने लगा। पहले तो उसे कोई नहीं मिला, लेकिन फिर डाइनिंग टेबल के नीचे मम्मी छिपी हुई दिखी। गट्टू शांति से उनके पास गया और बोला, क्या मम्मी आप, ये है आपके छिपने की जगह? गट्टू मेरा बच्चा, एक सीक्रेट बात बताती हूँ, मुझे छिपना नहीं आता। एक काम कर, मुझे छोड़, तू अपने पापा को पकड़ ले, उसमें चैलेंज है। अपने पापा को ये मत कहना मम्मी ने बोला था, उनको बोलो मम्मी मुझे अभी तक मिली ही नहीं, आप ही मिले हैं। गट्टू मम्मी की शरारत समझ गया और चुपचाप निकल गया। गट्टू के सामने उलझन ये थी कि पापा को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि पापा का टैलेंट तो छिपने में है, साथ साथ अलर्ट भी रहता था, क्योंकि चिंकी बिल्ली की तरह कहीं से भी कूद कर गट्टू को धप्पा दे सकती थी। गट्टू ने पापा को बहुत ढूंढा, फिर भी वो नहीं मिल रहे थे। आइडिया, गट्टू ने मोबाइल निकाल कर पापा को कॉल लगाया। हाँ हेलो गट्टू, बोलो क्या हुआ? पापा मिल गए, पापा मिल गए। पापा काफी सारे सामान के बीच में दब कर स्टोर रूम में छिपे थे। गट्टू ये चीटिंग है, तुमने कॉल किया इसलिए मैं पकड़ा गया। नहीं नहीं, गलती आपकी है, आपको पता था ना हम खेल रहे हैं, और खेल में तो कुछ भी हो सकता है, आपको अलर्ट रहना चाहिए था ना। आप पापा के रोल से बाहर ही नहीं निकल पाए, इसीलिए पकड़े गए। ये सुनकर पापा हंसने लगे। तभी मम्मी आई। पकड़े गए ना आप, मैं जानती थी आप ज्यादा देर छिप कर नहीं बैठ सकते। अरे तुम क्यों बाहर आई, अरे तुम मुझे बचा भी तो सकती थी। पापा मम्मी आपसे पहले ही पकड़ी जा चुकी हैं। चलो अब चिंकी को ढूंढो और ये राउंड खत्म करो। ये चिंकी बड़ी चालाक है, आसानी से हाथ नहीं आएगी। आखिर बेटी किसकी है, चिंकी बेटा अलर्ट रहना, पापा की इज्जत का सवाल है। और इस प्रकार गट्टू चिंकी को ढूंढने लगा।
बहुत ढूंढने पर भी चिंकी गट्टू को नहीं मिल रही थी। ये चिंकी तो सच में चालाक है, मुझे भी कुछ चालाकी करनी चाहिए। कहाँ छिप सकती है चिंकी? रूम में? नहीं नहीं नहीं, बाथरूम में। तभी गट्टू को जोरदार आइडिया आया। चटर पटर चिंकी खाए बटर चिंकी, फ्रिज में फ्लेवर्स मिले और कहाँ जाए चिंकी। गट्टू ऐसे गाने लगा और गाते गाते उसने फ्रिज का दरवाजा खोला तो चिंकी फ्रिज में बैठकर आइसक्रीम चाट रही थी। पकड़ लिया पकड़ लिया। मम्मी पापा आए और चिंकी को देखकर वो भी हंसने लगे। चिंकी फ्रिज से बाहर आ गई। क्या पापा, आपको क्या लगा मैं अपनी बहन को ढूंढ नहीं सकता? वाह गट्टू, बहुत अच्छे से पहला राउंड क्लियर किया तुमने और बहुत मजा भी आया खेलकर। और नहीं तो क्या, और ये भी पता चला कि पापा को अब पहले जैसे छिपना नहीं आता। हाँ, काम की उलझन और मोबाइल का एडिक्शन, लेकिन अब अगले राउंड में देखना क्या होगा। मम्मी आप भी जरा किचन से बाहर निकलो, और भी जगह है घर में छिपने के लिए। और मैं क्या करूं? ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला तुम जैसी हो वैसी रहो। तो ठीक है, शुरू करते हैं दूसरा राउंड, चलो 1 2। अरे अरे सुनो, तुम लोग छिप जाओ, मैं ढूंढती हूँ तुम्हें। गट्टू ने पहले मुझे पकड़ा था ना, आप तो हमें ढूंढ नहीं पाओगे, फिर शाम हो जाएगी, फिर आपकी मीटिंग भी है, खराब मूड लेकर जाना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं, मीटिंग वीटिंग कैंसिल, आज संडे है यार, मजा आ रहा है, एंजॉय करने दो, जाओ भाई छिपो सब। 1 2 3। बाकी सब छिपने के लिए भागे और इस प्रकार दूसरा राउंड शुरू हो गया। गट्टू चिंकी और आइसक्रीम। ये हम पास हो गए, ये मेरे होशियार बच्चे, बहुत खूब। मम्मी हम दोनों फर्स्ट आए। बहुत मेहनत की मेरे बच्चों ने, दिन रात पढ़ाई की और एग्जाम दिए। गट्टू और चिंकी स्कूल में फर्स्ट आए थे और इसी के साथ गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। अब पढ़ाई बढ़ाई सब बंद, अब शुरू छुट्टियां। अब हम जाएंगे नाना नानी के घर। अरे लेकिन उसके लिए तो अभी बहुत वक्त है, तब तक तुम यहीं खेलो। तो फिर अभी हम चले ग्राउंड में, बाय बाय। गट्टू और चिंकी ने बैग फेंका और वो दौड़ पड़े ग्राउंड की तरफ। ये छुट्टियां शुरू हो गई, बताओ क्या खेलें? चलो हम लोग खेलेंगे अभी छुपन छुपाई। हम सब लोग छुपेंगे और गट्टू हमें ढूंढेगा। नहीं नहीं, हमेशा मैं ही क्यों? यार गट्टू जाना, हम लोग छुपते हैं ना, तो गिनती कर। अच्छा ठीक है, मैं तो अभी झट से सबको पकड़ लूंगा, जाओ भागो। 1 2 3, मैं आ रहा हूँ। सारे बच्चे खेलने में दंग हो गए, उन्हें किसी भी चीज का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे सभी के गले सूखने लगे थे और उनके पसीने छूट गए थे, मानो अभी अभी नहा के आए हो। हाय राम ये गर्मी। अरे यार बहुत गर्मी है, आज सूरज देवता कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ मुझे भी कुछ ठंडा खाना या पीने का मन कर रहा है। चलो हम लोग नींबू शरबत पीते हैं। अरे लेकिन हमेशा वाले नींबू शरबत के चाचा दिखाई नहीं दे रहे। तभी सामने से आइसक्रीम वाले चाचा आते हुए नजर आए। अरे वो देखो, सामने से आइसक्रीम वाले चाचा आ रहे हैं, चलो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो चलो बच्चों, जल्दी आओ और जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाओ। मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए। मुझे मैंगो आइसक्रीम दो। मुझे कैडबरी चॉकलेट वाला कैंडी। अरे हाँ हाँ बच्चों, सबको मिलेगा, रुको रुको। सभी बच्चों ने बहुत शान से आइसक्रीम खाई। तेज धूप में बच्चों को शांति मिली। खेलते खेलते शाम कब हुई पता ही नहीं चला। सब बच्चे घर लौट आए। गट्टू और चिंकी बहुत थक गए थे। अरे बच्चों छुट्टियां लग गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर खेलो कूदो, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो। अभी मैं तुम लोगों को ड्राइंग और डांस क्लास में लगवा देता हूँ, ताकि तुम दिन भर धूप में ना निकलो। नहीं हमें क्लासेस नहीं जाना, हमें तो दिन भर खेलना है। बाहर धूप देखी कितनी है, बीमार हो जाओगे। धूप के कारण डिहाइड्रेशन होता है। अरे ज्यादा से ज्यादा पानी तो पिया करो।
पता है, आज हम सबके गले खेलते खेलते सूख गए थे तो हमने आइसक्रीम खाई। हे राम, बच्चों के स्कूल शुरू थे तो वही अच्छा था, अब छुट्टियां लगी नहीं तो बाहर का खाना शुरू, ये बीमार होकर ही रहेंगे। अरे जाने दो, बच्चे हैं, कभी कभार आइसक्रीम खा लिया तो क्या हुआ। इसी तरह दिन बीतते गए। गट्टू चिंकी और सारे बच्चे दिन भर अब रोज आइसक्रीम खाने लगे थे। हर रोज आइसक्रीम खाने के चलते राजू बीमार हो गया था। चिंकी जल्दी से टीवी लगाना, मुझे बहुत बोर हो रहा है। अरे रुको रुको, मुझे न्यूज चैनल देखना है। नहीं पापा, हमें हमारे कार्टून देखना है, रुको ना। चिंकी ने झट से रिमोट खींचते हुए टीवी चालू कर दिया और टीवी पर आइसक्रीम का एड लगा हुआ था। मस्त मस्त कैडबरी आइसक्रीम खाओ और ठंडा ठंडा मजा पाओ। पापा मुझे भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। नहीं पापा रुको, आइसक्रीम खाने की वजह से राजू बीमार हो गया था, इसीलिए चिंकी जिद मत करो। लेकिन कभी कभार आइसक्रीम खाने से बीमार नहीं होते, चलना तुझे भी मन नहीं करता क्या? मन तो मेरा भी करता है, लेकिन मुझे बीमार नहीं होना। ये तो सही बात कही तूने, अब क्या करें? तभी मम्मी बाजार से सामान लेते हुए घर आती है। उन्होंने इन सब की बातें सुन ली थी। उन्होंने कहा, हाय राम, मेरे सयाने बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अरे देखो सौभाग्यवती, कभी कभार आइसक्रीम खाने से कोई बीमार थोड़ी होता है, आज के दिन खाने देते हैं ना। वैसे हमारे बच्चे तो समझदार है, रोज रोज थोड़ी ना आइसक्रीम खाएंगे। हाँ, एक दिन आइसक्रीम खाने से तो कोई बीमार नहीं होगा, लेकिन गंदे पानी की आइसक्रीम खाने से जरूर बीमार हो जाओगे। तो अब क्या करें? आइडिया, मैं कुछ फ्रूट्स लाई हूँ और घर पर मैंगो भी है, चलो हम सब लोग मिलकर आइसक्रीम बनाते हैं। मम्मा, क्या घर पर भी आइसक्रीम बन सकती है? अगर तुम्हारी मम्मा हो साथ तो चिंता की क्या बात। सभी लोग हंस पड़े और किचन की तरफ गए। गट्टू और चिंकी तो बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि आज उन्हें आइसक्रीम जो खाने मिलने वाली थी। पापा भी बहुत एक्साइटेड थे। चिंकी के पापा, मैं स्ट्रॉबेरीज लाई हूँ, उसे छोटा छोटा काटना, तब तक मैं आम काटती हूँ। लेकिन मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। अच्छा तो एक काम करो, बाजार से दो चॉकलेट लेकर आओ। और इसी तरह सभी लोग मिलकर आइसक्रीम बनाने में जुट जाते हैं। जैसे बैटर बन जाता है, मम्मी उसे फ्रीज में रख देती है। अब हम आज रात का वेट करेंगे और कल दोपहर तक हमें मस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिलेगी। इतना वक्त? अरे बाबा, इतनी मेहनत की, अब उसके आगे भी और इंतजार। बेटा मेहनत का फल मीठा होता है। चिंकी ने फ्रीज का दरवाजा खोला। मम्मी अभी भी आइसक्रीम नहीं बनी है, ये तो अभी भी पानी पानी ही है। जितनी बार फ्रिज खोलोगे उतना ज्यादा वक्त लगेगा तुम्हें आइसक्रीम मिलने में। बंद कर दो दरवाजा, थोड़ा इंतजार करना सीखो। अगर जीवन में कुछ अच्छा चाहते हो तो इंतजार करना जरूरी है। गट्टू और चिंकी दिन भर दरवाजा खोलते और फिर बंद करते, वो आइसक्रीम जमने का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों भी बहुत एक्साइटेड थे। फाइनली दूसरे दिन सुबह तक उनकी आइसक्रीम जम गई। याहू, हमारी आइसक्रीम बन गई। चलो अभी हम राजू, पिंकी, राधा सभी को बुलाते हैं और उन्हें भी आइसक्रीम खिलाते हैं। हाँ, और अब हमारा बाहर का आइसक्रीम खाना बंद, अभी हम घर पर ही फलों की आइसक्रीम बना कर खाएंगे, फिर हम बीमार भी नहीं होंगे। और इसी तरह गट्टू और चिंकी ने मम्मी की मदद से बहुत समझदारी से काम लेते हुए गर्मी के ऊपर हेल्दी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।